भाई जैसे अलग अलग जगह पे कॉमेडी शोज होते रहते हैं, आप सब लोगों ने ढेरों सारे शोज किए हैं, मजा तो आता है शोज में, लोग भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं, कभी कोई ऐसा शो हुआ है कि आपको लगा हो कि यार फंस गए हम, कहाँ आ गए हम? एक बार तो बिल्कुल अजीब हुआ, पहले तो मोबाइल वगैरह जब नहीं थे और एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं, खाली फ़ोन पे बोलते थे 12 तारीख जो 8:30 बजे पहुँच जाना, हम लोग ऐसे पहुँच जाते थे टैक्सी लेके। तो एक 5-स्टार होटल में शो था, टैक्सी रोकी, जैसे अरे अरे ओहो राजू श्रीवास्तव आ गए, ओहो वो तो कॉमेडी करे, अच्छा अच्छा थे कॉमेडी करो, और भैया सुन साइलेंस हो जाओ, वो देखो हंसावे है, वो हंसावे बहुत अच्छा, माइक दो माइक ले रहा, माइक दो माइक, ताली बजाओ दो ताली बजाओ, माइक दो हंसा दो हंसा दो, बहुत चोखो हंसावे भैया, बहुत अच्छा हंसा है। मैंने कुछ हंसा है, कुछ प्रोग्राम वाम हुआ, उसके बाद निकला, एक गिलास पानी पिया, एक दो लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई, बाहर निकले, बाहर निकले तो एक हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे यार तू, कहाँ थे, मैं परेशान हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे, पार्टी ने पेमेंट रोक लिया है, तुम अब आ रहे हो आने का टाइम, तो अभी से अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आने का टाइम है। मैंने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम किया है, कहाँ किया है, हमने कहा वो ग्राउंड फ्लोर में, अरे अपना 5 माले पे ऊपर। बढ़िया बढ़िया, तो कहाँ प्रोग्राम करके आ गया, पता चला मैं दूसरी जगह प्रोग्राम कराया। तो ये भी हुआ, एक बार तो कमाल का एक फैन मिला जी, चाहने वाला, लखनऊ में, राजीव भैया पहचाने, हमने कह नहीं मैं यार ध्यान नहीं आ रहा, जैकेट पहचाने, हमने कह नहीं, 3 साल पहले आपका एक शो हुआ था इलाहाबाद में, त्रिवेणी महोत्सव, आप आए थे, मैंने कहा हाँ, आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। मैं बोला हाँ हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों चुराया जी, तो कहने लगा निशानी। कभी ऐसा भी हुआ कभी शो, सुनील भाई स्टेज पे चढ़े नर्वस हो गए, कुछ भूल ही गए हो? अक्सर होता है शादी के शो में, फंक्शन में क्या होता है, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठ रहे थे, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो महिलाएं भी बैठी जिन्होंने कभी जिंदगी में शो नहीं देखा, वो बेचारी बस सजा सवार के बैठा देते हैं उनको कि भैया आपको किसी आर्टिस्ट को सुनना है, और हमसे पहले उन्हीं के परिवार के लोग परफॉर्म करते हैं, जब तक मेरा टर्न आया सब तक खत्म हो चुका था मामला, सब खाने पीने निकल गए थे, तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उनका यार चेक तो बाउंस हो गया, बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। एक बार मुझे एक पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी राजस्थान की, वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे, हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ सुनाना शुरू किया, अब मैं कैसे कहूँ कि ये ढक्कन खुलवाइए। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग इंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता था उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा, वो ज़ोर से हंसी तो दादा भड़क गए, कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है, बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? बढ़िया है, बहुत हंसी आ रही है, हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, हैं? और हंस रहे हो, हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया, हैं? वाह वाह, चलो जाओ, चलो उठो तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए, अब बोला अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और सिद्धू भाजी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। मुजरा देख रहे हैं। मुजरा देख रहा है। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था, तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं, और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो।
आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास दे। देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे ऐसे जोक सुनाते तो क्या होता है? ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1, 2, 4 मेरे को 20 याद है। 20 अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार सुपर। ये हर स्टेट में जाते हैं लेकिन बंगाली इनके अंदर जो होता हुआ है ना। बहुत अच्छे करेक्टर पकड़ते हैं सुनील भाई। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो रमेश को बोलेंगे रोमेश और अजय को ओजय वो डाल देते हैं। हाँ रमन को रोमन। तो ये जो ओ का जो उच्चारण है उसमें गड़बड़ी हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था। वो डॉक्टर के पास में गए दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है? हमको दोमा है। दोमा है। बढ़िया बहुत बढ़िया वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है। पापा तेरे बाप का प्रॉब्लम है। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो कंपनी खुश होके उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचा अब तुम अपना फायदा करो जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ लाइक गोवा अगर बजट ज़्यादा तो बैंकॉक चले गए। तो वहाँ लोग जाके इंजॉय कर रहे हैं मतलब डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ गाँव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है जब एकदम वो डांस में जरा खड़खड़ के बताता हूँ डांस वांस कर रहा है अच्छा खासा कमान डाल ली पत्नी को पता चलता है कि ये खुश हो रहा है। वो उसको एक मिसेस कॉल देती है वो समझ जाती कि ये खुश हो रहा है तो सात समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है। ऐसी पत्नी की नजर को मैं कहता हूं वाईफाई। वाईफाई वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है पत्नी का फोन आ गया। घंटी बज रही फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार फोन काटना तो चाहता है मगर माँ कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता गॉड प्लीज हेल्प मी प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं इस मामले में नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे गजोधर कैसे मिला? हाँ ये कह रहा है आर्टिस्ट आदमी है ना अंदर से होता है कि मैं अभी क्या कहते गजोधर कैसे मिला पूछ। राजू भाई आपका वो किरदार है जो कौन सा कौन सा गजोधर 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 ये कपिल। जहाँ तक गजोधर की बात है ये हमारी नानी के गांव में एक बार्बर था। अच्छा तो वो हम लोग के बाल वगैरह काटने आता था बकसिया लेके आता था। उसका पूरा दिन होता था आके सबसे पहले तो बता दिया हम आ गए फिर बकसिया रख के वो नहाने चला जाता था खुद कुएं से नहा वहा के कपड़े वपड़े सुखा के शाम को उसका मूड बना था आओ कौन बाल कटवाएगा इस तरह टाइप का करेक्टर था लेकिन स्लो बहुत था। अच्छा तो जैसे कोई किसी ने उससे एड्रेस पूछा भाई साहब ये रामलाल कहाँ रहते हैं रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है तो कोई काम होगा आपको
बढ़िया बढ़िया। ये मतलब वही तो नहीं जिनका जो है शहर में पेट्रोल पंप है? हाँ हाँ वही 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 तो नहीं जिनका लड़का लिफ्ट में छोकरिया के साथ पकड़ा गया रहा? अरे नहीं, अगर इधर से मतलब जाएंगे तो यहाँ तो लंबा गिरेगा, इधर जाएंगे तो मतलब जो है राम लाल के यहाँ जाना है। चलो हम खाली बैठे, हम ही छोड़ के आते। टाइम बहुत होता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.